guys, welcome back to a brand new video on my channel. आज की इस वीडियो में we are going to test ride this bike. तो आपने टाइटल से देखा ही रहेगा, बाइक का नाम ओडीसी इवॉक्सर है. लाइक अ सुपर बाइक, लुक्स रियली स्पेशल टू मी. इट लुक्स लाइक अ निंजा सॉर्ट ऑफ. द स्पेशल थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ दैट ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, काफ़ी यूनिक है. तो आई एम गोइंग टू टेस्ट राइड इट, देखते कि कितना मज़ा आता है चलाने को. सो आई एम गोइंग टू आस्क द सेल्समैन ये क्या है, ये बाइक में स्पेशलिटी क्या फीचर्स है. सो इज़ गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स अबाउट दिस बाइक. तो मैं ज़रा क्वेश्चन पूछूंगा ये बाइक के बारे में आपको. सो आई एम जस्ट वेयरिंग द हेलमेट. तो ये बाइक को कितना टाइम लगता है चार्ज होने को? इसको 3.5 से 4 घंटा लगता है 100% होने के लिए. 100% में ये 170 अपने को हाईवे पे देता है एंड 140 अपने को सिटी में देता है. अच्छा, 170 किलोमीटर्स पर चार्ज. ठीक है, दैट्स वेरी नाइस. 170 मतलब बॉम्बे टू गोवा का आधा डिस्टेंस शायद. चर्च गेट अप डाउन. अच्छा, चर्च गेट अप डाउन शायद से 120 किलोमीटर्स के आसपास है. सो नॉट बैड एक्चुअली. And the looks of this bike are really fantastic. It looks like a ninja sort of. आप देख सकते हैं, it looks like a ninja. Very beautiful. It's quite a big bike. Actually, वीडियो में शायद समझ में नहीं आता रहेगा, but it's really big. So we are going to take a test ride. So ये बाइक कितना सीसी वाला बाइक का इक्विवेलेंट है? इसमें सीसी है ही नहीं. But कितना इक्विवेलेंट रहेगा? मतलब जैसे कि 200 सीसी वाला बाइक का इक्विवेलेंट या 250 सीसी वाला, उसके लगभग कितना पावर रहेगा? मतलब आपने दूसरा बाइक तो चलाया रहेगा, तो आपकी सब. और इसमें मिनिमम समझो R15 का इतना पावर है इसमें. अच्छा, R15 जितना पावर है लगभग. और इसका टॉप स्पीड क्या है? एक बंदा चलाएगा तो 100 तक जाता है. हाँ, और डबल सीट पे 80 तक जाता है. ओके, सो क्वाइट फास्ट एक्चुअली. तो इसमें ऐसा बैटरी का हीटिंग इशू या ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं है ऐसा कस्टमर का ऐसा कुछ ऐसा नहीं. वो कंपनी 3 साल देती है वारंटी बैटरी का. अच्छा, और कुछ भी होता है तो कंपनी अपन को रिप्लेस करके देती है. अच्छा, और इमरजेंसी में सपोज किधर चार्ज खत्म हो गया, अपने को बैटरी पॉइंट बताया रहता है इधर. हाँ हाँ, बैटरी पॉइंट में अपन का जब अपना पहला जो काटा है वो अपना 95-100 पे खलास हो जाता है. ओके, वो सेकेंड है वो 10 किलोमीटर पे और बाकी के जो 5-5 किलोमीटर है. ओके, दैट्स नाइस. तो ये बाइक का वजन कैसा है? इट्स लाइक लाइट वेट या हैवी है या कैसा है? हैवी है, 111 kg है. ओके, लाइक कंपेयर टू अ नॉर्मल बाइक में बोलेंगे तो ये जो R15 का वजन है वही. अच्छा, R15 तो काफ़ी हैवी बाइक हो सकता है ये. तो आई थिंक आई वाज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. आपको इसके अलावा कुछ पॉइंट्स कवर करना है जो मैंने नहीं पूछा या समथिंग? इसमें जैसे देखो अभी अपना अपन को लोकल के लिए चलाना है. हाँ, तो अपने लिए ड्राइव मोड है. हाँ हाँ, लोकल में घूम सकते हैं. उसका स्पीड सिर्फ अपन को 70 मिलेगा. ओके ओके, अपन एस पे डालते. ओके, 100 तक पहुंच जाते. ओके, जैसे अपनी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चालू है. हाँ, पार्किंग मोड पे डाला. हाँ, गाड़ी आगे जाएगी नहीं. एंड रिवर्स भी है इसमें. वाह, रिवर्स गियर भी है अगर. अच्छा अच्छा, स्लोप रहेगा तो काम आएगा. गाड़ी का जो वायलेंट विलन जो 4 व्हीलर में इंजन स्टार्ट रहता है वो है अपने पास. ओके, फाइन, दैट्स फैंटास्टिक. पूरा LED है इसमें. लुकिंग अभी ये वाले व्यू से ऐसा लग रहा है कि वो जो होंडा का जो CBR रहता है लगभग वैसा फील आ रहा है. ऑलमोस्ट CBR जैसा तो नहीं है ये, क्योंकि CBR मतलब काफ़ी छोटा भी लगता है इसके सामने और थोड़ा चपटा भी लगता है. तो अच्छा, तो थोड़ा मतलब नॉट एग्जैक्टली बट मतलब 50% लग रहा है वैसा. एनीवेज, वी आर गोइंग टू टेक अ टेस्ट राइड. अभी इसमें कुछ गियर सिस्टम तो है नहीं ना? डायरेक्ट अपने पास मोड सिस्टम है इसलिए. अच्छा, नो गियर सिस्टम एट ऑल. तो नीचे नो गियर हो जाए. ओके, और यहाँ पे भी देखते. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ लाइक show you the bike from all the angles actually. तो आपको एक आइडिया आ जाएगा. फंटास्टिक है, even the man is watching. और इसके लिए लाइसेंस लगता है क्या? लाइसेंस लगता है इसके. अच्छा, जो नॉर्मल लाइसेंस है फॉर मतलब जिसकी स्पीड 25 तक रहती है ना, वो साइकिल में काउंटिंग होती है. उन लोग को लाइसेंस नहीं लगता है. ओके, और इनकी स्पीड काफ़ी है ना. हाँ हाँ, 50 तक स्पीड है और इसकी तो मतलब 100 तक जाती है. ओके, तो बाइक में काउंटिंग होगी. तो आपके पास कितना ब्रांचेस है ये ओडीसी का? आपके लोग का कितना ब्रांचेस है? हम लोग का फिलहाल तो ये एक ही है. अच्छा, वैसे में एक ही है, लेकिन अहमदाबाद में मेन ब्रांच है. और इसके अलावा बॉम्बे में है. बॉम्बे में घाटकोपर में है शायद. घाटकोपर में इसका और एक मुलुंड में। ओके फाइन, सो देयर आर फ्यू ब्रांचेज और सर्विस सेंटर्स है यहाँ कैसा? सर्विस सेंटर भी है। अच्छा अच्छा फाइन, ओके विद दैट सेड नाउ वी विल टेक अ टेस्ट राइड ऑफ दिस बाइक। चलो आप भी आ रहे साइड में ना टेस्ट राइड के लिए? हाँ चलिए, नहीं तो फिर आप जा पाओगे। मैं आ गया, ठीक है ठीक है फाइन, देन आई विल टेक अ टेस्ट राइड। और इसमें क्लच सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ब्रेक है? ब्रेक है। ओके, ये अपना आगे का ब्रेक है, ये पीछे का ब्रेक है। आगे दो डिस्क ब्रेक है, पीछे एक ड्रम ब्रेक है, डिस्क ब्रेक है। अच्छा फाइन, सो आई जस्ट शो यू द ब्रेक्स क्वाइट क्विकली। यहाँ पे डबल डिस्क है, आई एम नॉट रॉन्ग। अरे वाह, डबल डिस्क है, लाइक इट्स रियली लुकिंग लाइक अ स्पोर्ट्स बाइक सॉर्ट ऑफ। डबल डिस्क ब्रेक बड़े बड़े बाइक्स में होते हैं, एंड ये लाइक सिंगल डिस्क ब्रेक इन द बैक। और इसका मोटर पीछे के साइड ही है ना? हाँ इसमें ही है। ठीक है, तो मैं एक राउंड लेके आता हूँ, चलेगा ना? इलेक्ट्रिक है ना, पेट्रोल नहीं? नो पेट्रोल। कितना किलोमीटर चलता है वो? 170। एक बार चार्ज किया कितना घंटा लगता है चार्ज करने? 3.5 से 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो क्या प्राइस है इसका? अभी ये रिवर्स गियर में। इसका प्राइस कितना बोला आपने? 1,70,000। ओके, डी में जाना होगा ना? डी में 70 तक जाएगी सिर्फ। हाँ हाँ, स्पीड उसकी बेस पे डाल रहे हो तो कब भी हार मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये दोनों में से ही देखूंगा टेस्ट राइड के लिए। ब्रेक छोड़ दो, ब्रेक आप नॉर्मली भी पकड़ के रखते हो तो आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि इसका पैर में ब्रेक है नहीं। ओके, उसका ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है या कैसा ब्रेक है? या रबर वाला ब्रेक है? डिस्क ब्रेक ही है। डिस्क ब्रेक। ठीक है, काम करता हूँ, एक टेस्ट राइड ले लेता हूँ, तो आई विल बी बैक लाइक इन अबाउट 10-20 मिनट का राइड रहेगा। मैं 10-20 मिनट में आ जाऊँगा, सो ठीक है फाइन, चलो। सो द बाइक इज़ नॉट मूविंग अहेड, एक्चुअली समथिंग इज़ नॉट राइट। एक्चुअली द किल स्विच आई थिंक वॉज। ठीक है, आई कैन फील द बाइक मूविंग अहेड। ठीक है, मैं एक राउंड मार के आ जाता हूँ। तो यू कैन सी कि बाइक पूरा का पूरा साइलेंट है। It's really feeling very smooth. Oh wow, काफ़ी स्मूथ लग रहा है बाइक, और पिकअप भी बहुत अच्छा है। तो मेरे पास पर्सनली एक इलेक्ट्रिक बाइक है, तो फीलिंग लाइक आई एम राइडिंग लाइक दैट काइंड ऑफ बाइक आई थिंक। स्लाइटली डिफिकल्ट टू कंट्रोल एक्चुअली, बिकॉज जैसे ही ब्रेक दबाता है आई थिंक द इंजन गेट्स टोटली कट ऑफ और समथिंग। नॉर्मल बाइक में कैसा होता है? ओह माय गॉड, लुक एट द पिकअप है। इट्स साउंडलेस बट पिकअप इज अमेजिंग। तो एक्चुअली इसमें क्या है कि जैसे ये ब्रेक दबाई गई देयर इज़ नो एक्सेलरेशन एट ऑल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक का फंडा है। तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यस द रेयर ब्रेक, राइट हैंड साइड में आगे का ब्रेक है। ओह इट्स फीलिंग वेरी नाइस, लाइक टोटली लाइक नो साउंड, फीलिंग अमेजिंग टू राइड इट। क्वाइट अ यूनिक एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, कि जैसे ये ब्रेक दबाएंगे तो इंजन गेट्स टोटली कट ऑफ, जैसे हम लोग क्लच पूरा दबा रहे वैसा कट ऑफ। सो पिकअप वाइज इट्स रियली फैंटास्टिक, आई एम रियली फीलिंग द पुल ऑफ द बाइक। डी मोड भी काफ़ी फास्ट है ये बाइक, यू कैन सी इट्स लाइक रीचिंग 50 किलोमीटर्स पर आवर क्वाइट इजीली यार, वेरी इजीली इट रीच दैट स्पीड। और वाह, quite amazing pickup, very smooth bike till now. For what the riding experience is, the handle is feeling a bit sort of stiff, little bit. Like I don't know, is it just me or what? But slightly I felt like too heavy or something. But it is a very stable bike. I would say that it is a very stable bike. So you can see that there is no sound at all. ऐसा ही चला रहा हूँ बाइक को बिना कोई आवाज़, देयर इज नो फायरिंग साउंड एट ऑल। दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक। as for now. Controlling on this bike is like feeling quite good like that. Everyone are looking at me because it's an electric bike and that was a sports bike, right? That's all. Yeah, you can lay there. So you can see it is not like accelerating too much also. अभी मैं डी मोड में डाल देता हूँ इसको. ओके दैट्स नाइस. मेंटेनेंस ऑफ दिस बाइक इज़ वेरी लेस टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इसमें बैटरी के अलावा ज़्यादा और कुछ है नहीं. वाओ यार व्हाट अ लवली बाइक, लवली पिकअप. इट जस्ट रीच्ड 33 किलोमीटर एन आवर सो इजीली. बहुत आसानी से पिकअप ले आया है. स्पीड ब्रेकर के ऊपर मैंने ब्रेक बाइक को थोड़ा स्लो किया है. सो विल टेक वन फाइनल एक्सेलरेशन. लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग टू एक्सेलरेट. ओके दैट्स नाइस. तो इसका जो चाबी है यू कैन सी लाइक अ कार चाबी. Very nice pickup, very silent, very soundless, and pickup is like good. ऐसा नहीं कि कुछ compromise करके. On देखो, on है अच्छा. Nothing too fancy or something. So just now I just seen a speed breaker. And I went over the speed breaker. Oh, so bros, this bike is an excellent bike. Really feeling fantastic to ride it. So only thing about this bike is that use the brakes carefully because इसमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग एक्चुअली में कितना स्पीड में. और we might tend to press it little harder than what is actually required. So bike might skid. So that's my only suggestion. But overall I like this bike so much. This bike, ये बाइक में अगर ABS का ऑप्शन अगर रहेगा it will be much better I suppose. I'll just ask him, I'll just confirm with him that ABS है कि नहीं. I don't think so, but I'll just confirm with him. So fantastic bike bros. So really fantastic bike. So yeah, I've reached the showroom finally. So we might test ride some more bikes, let's say. So that's it for the ride. इसमें ABS का ऑप्शन है क्या सर जी? ABS का ऑप्शन नहीं है. So I think they can make an improvement in that section. But overall very nice bike. यहाँ पे पार्क करूँ? So finally gone down on the bike. Is better? हाँ nice bike. I would just say कि ABS होना चाहिए था. ABS अगर होता ना आगे चल के मे बी द कंपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. ABS होना चाहिए ब्रेकिंग में. Okay, so we'll end this video here. So इसका ऑन रोड प्राइस कितना है? ऑन रोड प्राइस इसका 170. अच्छा, मतलब पूरा आपको. और सर्विसिंग कितना टाइम में करना पड़ेगा? कैसा है? आपको एक साल हमारी कंपनी आपको सर्विस फ्री देगी. और नॉर्मली कितना पैसा लगता है, मतलब सर्विसिंग का? जो सर्विस का लगेगा यही कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, 200-300 रुपये शायद. सस्पेंशन वगैरह इसमें तो इंजन का कोई ऑयल लीकिंग पार्ट्स वगैरह मूवेबल बस सिर्फ इंजन अपना यही. ओके, सिर्फ ब्रेक ऑयल वगैरह बस इतना ही. सो रियली फैंटास्टिक बाइक, यू मस्ट चेक इट आउट. आई मस्ट से यू मस्ट चेक इट आउट. एज आई कैन सी योर चेसिस नंबर ऑल्सो हियर, जस्ट लाइक अ नॉर्मल बाइक. वेरी फैंटास्टिक. इसका जो टायर्स है C8 का है. इनकेस आई नॉट शोन दैट इन बिफोर क्लिप्स, C8 का टायर दिया गया. C8 का टायर ही मिलेगा ना इसमें? हाँ, ठीक है. So that's it for this video. Give this video a thumbs up. Bye guys, take care. Hope you have a great day. Bye bye.